हेलो एवरीवन, आज हम कैरियस मेथड की बात करेंगे कि कैरियस मेथड जो है वो क्या कहलाती है। तो कैरियस मेथड वो मेथड होती है जिसके थ्रू हम हेलोजन एलिमेंट लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस एलिमेंट एंड सल्फर एलिमेंट, इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं और इनका एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो अब हम इनको कैसे याद रखें कि कैरियस मेथड जो है वो कौन कौन से एलिमेंट के लिए यूजफुल होती है। तो हेलोजन एलिमेंट के लिए रहती है, फास्फोरस के लिए रहती है एंड सल्फर के लिए रहती है। तो हेलोजन का हमने लिया एच, फास्फोरस का लिया पी एंड सल्फर का लिया एस। तो कैरियस मेथड्स के थ्रू हम ये बताते हैं कि हॉट पर्सन्स आर स्वीट। हॉट पर्सन जो है वो स्वीट होते हैं। हम किससे बताते हैं? कैरियस मेथड से बताते हैं। तो ये हमने डिटेक्ट कर लिया कि हॉट पर्सन जो है वो स्वीट होते हैं। कितने स्वीट होते हैं इसका एस्टिमेशन भी कैरियस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। एचपीएस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, हाईली सेंसिटिव प्यूपिल। तो हाईली सेंसिटिव प्यूपिल को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? कैरियस मेथड के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। और कोई पर्सन कितना सेंसिटिव है इसका परसेंटेज जो है वो भी हम कैरियस मेथड के थ्रू डिटरमाइन करेंगे। इसको हम बता सकते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम सर्विस, ऐसे भी याद रख सकते हो। अब हम कैरियस मेथड के थ्रू सल्फर का एस्टिमेशन देखेंगे। तो हमें एक कैरियस ट्यूब लेनी पड़ेगी। इस ट्यूब के अंदर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है फिल कर देते हैं जिसको हमें एस्टिमेट करना है। फिर हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है वो भर देते हैं। इस कैरियस ट्यूब को जो है आयरन जैकेट के अंदर क्लोज करके रखते हैं और इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं। जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो इसमें जो कार्बन प्रेजेंट है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कार्बन है, वो नाइट्रिक एसिड द्वारा, जो आपका फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड है, उसके थ्रू ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है जो कि उड़ जाता है। जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो वाटर वेपर बनके जो है वो उड़ जाती है। और जो सल्फर है वो नेसेंट ऑक्सीजन एंड जो सॉल्यूशन है उसका, जो वाटर है उसके साथ मिलके H2SO4 बनाता है। ये ऑक्सीडेशन भी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के थ्रू होता है। अब जो H2SO4 बना हुआ है वो बेरियम क्लोराइड के साथ कंबाइन होता है। क्या होता है? बेरियम सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा? HCl बनेगा। तो बेरियम सल्फेट जो है ये प्रेसिपिटेट होता है, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इस प्रेसिपिटेट को हम क्या कर लेते हैं? ड्राई कर लेते हैं और वेइंग मशीन के थ्रू इसका वेट ले लेते हैं। फिर हम सल्फर को एस्टिमेट करते हैं। तो हमारे कौन कौन से सल्फेट जो है वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं तो देख लो जरा एक बार फिर से। जो हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट है ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। कैल्शियम सल्फेट ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। बेरियम सल्फेट ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। लेड सल्फेट ये भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। तो इतने सल्फेट जो हैं वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं। तो इनको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो बड़ा सिंपल है। एल्यूमिनियम ए से हो गया अमूल, एल से हो गया लाल, सी ए मतलब कार, बी ए मतलब बैठे, भी मतलब पहली बार। तो अमूल लाल कार में बैठे पहली बार, इनके सल्फेट जो है वो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाते हैं। बस ऐसे याद रखना है।
अब हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कितने परसेंट सल्फर प्रेजेंट है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, इसकी बात करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि कैरियस ट्यूब में हमने ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हीट किया था नाइट्रिक एसिड के साथ, तो सारा का सारा सल्फर जो है वो बेरियम सल्फेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो गया। तो बेरियम सल्फेट में कितने परसेंट सल्फर है, मतलब उतना ही परसेंट सल्फर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में होगा। तो देखते हैं, अगर हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सल्फर का परसेंटेज बताना है तो परसेंटेज ऑफ सल्फर हमें ये बताना होगा कि सल्फर का मास कितना है, मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू 100। अगर हमें मास ऑफ सल्फर पता चल जाए तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सल्फर का परसेंटेज जो है वो आ जाएगा। अब हमने देखा कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस का सारा सल्फर जो है वो बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो बेरियम सल्फेट में अगर सल्फर का परसेंटेज निकल आए तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सल्फर का परसेंटेज होगा। तो बेरियम का मास कितना होता है 137, सल्फर का मास कितना होता है 32, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 233 आएगा। तो बेरियम सल्फेट का मोलर मास कितना आया, 233 आया। तो बेरियम सल्फेट में सल्फर जो है वो कितना प्रेजेंट, तो देखो बेरियम सल्फेट का मोलर मास कितना 233, तो हम लिखेंगे सिंस 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट है, कितना है, एक ही सल्फर है, मतलब 32 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है, हैव 32 ग्राम ऑफ सल्फर, देयरफॉर अगर बेरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट बना था उसका वेट जो है वो एक्स ग्राम आया, तो एक्स ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, तो ये वेट होगा 32 अपॉन 233 इंटू एक्स ग्राम ऑफ सल्फर। तो बस मास ऑफ सल्फर की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंटू 100। तो लिखते हैं परसेंटेज ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर कितना आया था 32, 233 इंटू एक्स अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंटू 100, यही बनेगा ना फॉर्मूला। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, परसेंटेज ऑफ सल्फर ये होगा 32 अपॉन 233 इंटू एक्स, क्या है ये है मास ऑफ बेरियम सल्फेट, मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंटू 100। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले के थ्रू जो है किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आप सल्फर का परसेंटेज जो है वो डिटरमाइन कर सकते हो, अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है तो। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इन एन एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय कैरियस मेथड 0.2175 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड gave 0.5825 gram of barium sulfate, calculate the percentage of sulfur in the compound। तो हमारे पास इतने ग्राम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और 0.5825 ग्राम जो है वो बेरियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट है। इन दोनों डेटा की हेल्प से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर का परसेंटेज जो है वो बताना है। तो हमको पता है कि बेरियम सल्फेट
में सल्फर एक ही प्रेजेंट है, सिंस इसका मोलर मास होता है 233 ग्राम, तो 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट है, सल्फर का मास कितना होता है 32 ग्राम ऑफ सल्फर, देयरफॉर बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट कितना है 0.5825 ग्राम, तो इतने ग्राम बेरियम सल्फेट में सल्फर कितना होना चाहिए, तो 32 इंटू 0.5825। तो ये आया हमारा 0.08 ग्राम सल्फर। अब बस परसेंटेज ऑफ सल्फर जो है वो बताना है, मास ऑफ सल्फर कितना है 0.08 ग्राम, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का वेट कितना है 0.2175 ग्राम इंटू 100, तो ये जो है 36.78% जो है वो आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर का जो हमारा फॉर्मूला बना था वो था 32 अपॉन 233 इंटू मास ऑफ बेरियम सल्फेट अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंटू 100। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना आया 32 अपॉन 233 इंटू मास ऑफ BaSO4 कितना दिया है, इतना दिया है 0.5825 गिवन है, मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना गिवन है, ये है 0.2175 इंटू 100, तो ये आया 36.78%। तो इतने परसेंट सल्फर जो है वो इतने ग्राम ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रेजेंट है। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इन एन एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय कैरियस मेथड 0.2595 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड गेव 0.35 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस का वेट जो है वो इतने ग्राम के बिन है और बेरियम सल्फेट का वेट जो है वो इतने ग्राम के बिन है, तो सल्फर के परसेंटेज का फॉर्मूला तो ये लिख दिया था हमने, तो बस वैल्यू पुट करना है, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर 32 अपॉन 233 इंटू मास ऑफ बेरियम सल्फेट कितना है 0.35, तो 0.35, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का वेट कितना है 0.2595 इंटू 100, तो ये आएगा आपका 18.52%, ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।